Hello students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn the beauty class 6 honeysuckle book honeysuckle aur hum dekh rahe hain chapter beauty is poem mein. What is beauty? Beauty kya hai? Beauty yani sundarta. What is beauty? Beauty kya hai? Try to describe. Describe मतलब narrate करना, explain करना. What beauty is? Or list some of the things or person you think are beautiful. सुंदरता क्या है बताने की कोशिश कीजिए. सुंदरता क्या है कि ऐसी list बनाइए उस चीज़ों की या उस आदमियों की जिन्हें आप सोचते हैं कि वो सुंदर है. Now let us read a poem on beauty. चलो हम अभी poem देखते हैं, read करते हैं. Okay, beauty is seen. Seen मतलब देखना. Beauty उस चीज में देखी जाती है. किसमें देखी जाती है? In the sunlight, सूरज के रोशनी में सुंदरता देखी जाती है. The trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. Beauty is seen in the sunlight. सुंदरता देखी जाती है सूरज की रोशनियों में, दिन में. Trees मतलब यहाँ पे जो हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, उनमें हमें सुंदरता दिखती है. The birds पंछियों की आवाज़ों में, उनकी जो अलग अलग से पंछी जैसे कुकू है, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं और जो बर्ड्स उनकी जो आवाज़ की एक अलग तरह की जो धुन होती है, उस आवाज़ में, उस धुन में हमें क्या ये सुंदरता दिखती है. ब्यूटी सीन इन द ट्रीज एंड द बर्ड्स एंड देयर वॉइस, उनके जो आवाज़ों में. कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न का मतलब हम मेज, जनरली मेज है, MAIZE मेज है. मेज यानी हम कौन ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग. ओके, अभी कौन का मतलब हम क्या करते हैं, मेज ये एक क्रॉप्स है जो कि बढ़ता है, ग्रो होता है खेतों में, और खेतों में लोग क्या करते हैं, पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. जब भी फसल हार्वेस्ट कौन है नहीं, हम यहाँ पे फसल इस मीनिंग लेंगे. जब फसल हार्वेस्ट करने आते हैं, हार्वेस्ट मतलब कटाई करना उनकी, तब लोग काम करते हैं. उनके कामों में, उनके परिश्रमों में, उनके मेहनत में हमें क्या दिखती है, सुंदरता दिखती है. और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और वो नाचते हैं मतलब उनके जो हार्वेस्ट, जब उनके जो फसलें आते हैं तो खुशी से नाचते हैं. और वो जो उनकी जो वर्क है, जो काम है, मेहनत है, परिश्रम है, उसमें हमको क्या दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है. ब्यूटी इज हर्ड, अभी देखो यहाँ पे हमको ब्यूटी सूरज की रोशनी में दिखी है. ओके, इस स्टांजा में, अभी ये जो स्टांजा हम देख रहे हैं अभी, सेकंड स्टांजा, ब्यूटी इज हर्ड. हर्ड मतलब सुनना. हम सुंदरता को सुन सकते हैं. हम सुंदरता को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ब्यूटी को हम सुन सकते हैं. इन द नाइट, कब, इन द नाइट, रात में हम सुंदरता को सुन सकते हैं. विंड शाइनिंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अ नेस्ट. हवा की जो शायशाय आवाज़ होती है, हवा की जो शायशाय, जो मध्यम धुन से मध्यम हवा बहती है ना, रेन फॉलिंग वर्षा होती है ना, वर्षा की जो धुन है, जो साउंड है उसका, उसमें हमें क्या सुंदरता सुनाई देती है. और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग अर्नेस्ट, अभी एनीथिंग, कोई भी सिंगर गायक अपने अर्नेस्ट का मतलब होता है जो अपने हृदय से, अपने मन तन से जो अच्छा गाना गाता है, मतलब गाता है, तो उससे हमें क्या सुनाई देती है, सुंदरता सुनाई देती है. ओके, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, जो कि जो धुन है उसकी हमें
उनमें से जो ध्वनि निकलती है गायक जब गाता है तो वो एक सुंदरता ही होती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ब्यूटी इज इन द यूअर सेल्फ। जस्ट वी सॉ द टू स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा वी सॉ द ब्यूटी वी कैन सी इन द, हम सबसे पहले स्टांजा में ये देखा कि सुंदरता हमें क्या होती है, सुंदरता को हम देख सकते हैं, राइट। बाद में हमने देखा सेकंड स्टांजा में हमने देखा कि हम सुंदरता को सुन सकते हैं, ओके। और हम थर्ड स्टांजा में देखेंगे कि ब्यूटी इज इन यूअर सेल्फ, सुंदरता आपके स्वयं में ही होती है। ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्यूटी इज इन यूअर सेल्फ, ब्यूटी आपके स्वयं में होते हैं। गुड डीड्स, यहाँ पे डीड्स का मतलब होता है वर्क करना, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, आपके अच्छे विचारों में, आपके कामों में, आपके विचारों में हमें सुंदरता क्या होती है, आपके कामों में और आपके विचारों में ही सुंदरता होती है। दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड एवन इन योर रेस्ट। जब डीड्स, गुड डीड्स इन योर वर्क, जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जब वो क्या होती है, उसमें ही सुंदरता हमें दिखती है, मतलब उसमें ही सुंदरता होती है। देन हैप्पी थॉट्स, जब आपके जो थॉट्स है, आपके जो विचार है, हमेशा जो दैट रिपीट इन दिमसेल्फ इन योर ड्रीम, जो आपके सपनों में, विचारों में जो वो रिपीट होते हैं, उसमें भी एक सुंदरता होती है। एंड एवन इन योर रेस्ट, और जब आप रेस्ट करते हो, मतलब यहाँ पे मतलब जब आपकी मृत्यु भी हुई और आप निकल गए, तो भी आपकी सुंदरता क्या रहती है, किस में रहती है, जो गुड डीड्स मतलब आपके कामों में, आपने जो काम किया है उस काम में आपकी सुंदरता रहती है, और आपके विचारों में भी वो रहती है, क्योंकि वो सुंदरता मरती नहीं है। और आपके आत्मा में भी रेस्ट, मतलब जब आप ये लोग छोड़ के दूसरे लोग जब जाते हो, तभी आपकी सुंदरता मतलब उसमें जान होती है और वो रहती है आपके विचारों में और आपके कामों में, जो आपने काम किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो सुंदरता है, ब्यूटी, ये तीन स्टांजा में हमने अलग अलग टाइप्स की सुंदरता देखी है। मतलब पहले स्टांजा में हमने देखा है कि सुंदरता को हम सुन सकते हैं, मतलब देख सकते हैं सूरज के रोशनी में, और सेकंड स्टांजा में हमने देखा था सुंदरता हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप में ही सुंदरता होती है। देखो सुंदरता कैसी, आप भी एक सुंदर हो, आप में भी जो सुंदर, आप में भी सुंदरता रहती है, मगर कैसी हो, जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी विचारधारा हो, आपके विचारधारा के अनुसार जब आप वर्क करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उसमें ही सुंदरता आपको दिखती है, उसमें ही सुंदरता रहती है। उसे ही हम क्या कहें, उसे ही शुरे, ये जो पोएट है, ये पोएट ने जो पोएम लिखे है, ये कहते हैं कि आप में भी सुंदरता होती है, सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए आप में क्या कैसी, कहाँ आपकी सुंदरता है, और वो आप, वो कोई ऐसी जो चीज़ नहीं कि हम उसे हाथ लगाए, हमें उसे टच करें, जो हमको वो हम महसूस कर सकते हैं, वी कैन फीलिंग, हमें हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, तो ये पोयम हमने आज पढ़ी है, आपको अच्छी तरह रीड करना है और राइट भी करना है बच्चों, और हम देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर। पोयम ब्यूटी के नाउ वेलकम इन वीडियो पेज नंबर 55 वर्किंग विद द पोयम, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4, और पोयम है ब्यूटी, उसके क्वेश्चंस आंसर वर्किंग विद द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन, ब्यूटी इज हर्ड इन, कैन यू हियर ब्यूटी, आपने सुंदरता सुनी है,
add a sound that you think is beautiful to the sounds, the poem thinks the beautiful. क्या आप सुंदरता सुन सकते हैं? एक ध्वनि जोड़े जो आपको लगता है कि कवि को जो सुंदर लगता है वही सुंदर है. मतलब add a sound that you think is beautiful to the sound the poet thinks are beautiful. poet को जो सुंदर लगता है वो सुंदर है. the poet Shelley said, heard melodious are sweet but those unheard are sweeter. सुनी हुई धुन मधुर होती है. heard melodious are sweet but those unheard are sweeter. मतलब लेकिन वे अनसुने मीठे हैं. सुनी हुई धुन मधुर होती है. कैसी होती है? मेलोडियस का मतलब होता है मधुर यानी मीठी. ओके तो पोएट सेज दैट हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. सुनी हुई धुन मधुर होती है लेकिन वे अनसुने मीठे हैं. देन क्वेश्चन देखते हैं. वही क्वेश्चन है. व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन यूअर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग और प्लेड? आपके विचार में इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? आपके विचार में इसका क्या मतलब है? क्या आपने कभी अपने हेड में एक गाना गाया है जब गाना गाया या बजाया जाता है? तो बच्चों हम इसका आंसर लिखते हैं यस. इन डीड इट इज ट्रू दैट ब्यूटी. जो हम की सुंदरता एक इसमें एक वर्क में होती है. टू कैन बी हर्ड उसे हम सुन सकते हैं. लाइक द चेपिंग ऑफ बर्ड्स वी जस्ट हैव टू बी सेंसिटिव टू वर्ड्स अवर थॉट्स एंड फीलिंग. मतलब हम जो पंछियों की जो आवाज़ है उनकी जो वो मधुर गाते भी है जो उनका साउंड जैसे कुकू है तो क्या उनके जो थॉट्स है उसमें क्या है हम जो सुंदरता है वो हम सुन सकते हैं. अवर पावर टू थिंक इमेजिन हम अपने शक्ति से कल्पना कर सकते हैं. एंड एंटिसिपेट द थिंग्स इज ग्रेटर दैन द एक्ट इट्सेल्फ. द पोएट सेज दैट व्हेन वी हियर मेलोडियस. मतलब जब हम किसी भी पंछियों की या किसी प्राणी की सुंदरता मतलब जो उनकी जो प्राणी या पंछियों की जब आवाज़ सुनते हैं तो उसमें भी हमें मधुर सा साउंड क्या सुन मधुर आवाज़ यानी मेलोडियस साउंड हम सुन सकते हैं. उसमें भी क्या एक सुंदरता हमें सुनाई देती है वी फाइंड इट स्वीट बट लॉन्ग आफ्टर दिस मेलोडियस कैन बी हर्ड इन अवर थॉट्स एज दे गेट ट्यून इनसाइड अस. यस आई टू हैव हर्ड अ सॉन्ग इन माई हेड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज संग और प्लेड. जब वो गाना गाया जाता है या बजता है तब हम उसकी जो धुन है वो सुन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टांजा. पहला और दूसरा स्टांजा रीड करो पोएम का ऑफ द पोएम अगेन. बार बार मतलब और एक बार जो पोएम का जो पहला और दूसरा स्टांजा है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टांजा वो क्या करना है रीड करना है. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. जो फ्रेजेस है उसे क्या करो नोट करो. कॉर्न ग्रोविंग क्या है? कॉर्न मतलब मेज जो फसल. यहाँ पे हम उसका मीनिंग लेंगे फसल. पीपल वर्किंग लोग काम कर रहे हैं और डांसिंग. विंड साइंग रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग. क्या फसल आ रही है लोग क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं. विंड हवा बह रही है. रेन वर्षा हो रही है. रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग. दिस कुड बी रिटर्न एस मतलब सिंगर चैंटिंग मतलब जो गायक है वो अपनी धुन में अच्छी तरह गा रहा है. दिस कुड बी रिटर्न एस कॉर्न दैट इज ग्रोविंग. एक फ्रेज है कॉर्न दैट इज ग्रोविंग. पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग. कैन यू रीराइट अदर फ्रेजेस लाइक दिस.
उसी फ्रेजेस की तरह क्या आप लिख सकते हैं दो दूसरी फ्रेजेस? व्हाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस? आपको क्या लगता है कि पोएट ने, कवि ने ये फ्रेजेस को शॉर्ट किया है? विंड, आंसर देखिए, विंड दैट इज शाइन, विंड दैट इज शाइन मतलब हवा मध्यम से बह रही है, रेन दैट इज फॉलिंग वर्षा हो रही है, जो उसकी बूंदे है उसकी बूंदे से हमें क्या आवाज आती है। अ सिंगर हु इज चैंटिंग, गायक अपनी मधुर धुन से गा रहा है। द पोएट यूजेज द शॉर्टर फ्रेजेस, पोएट ने जो शॉर्ट फ्रेजेस यूज किए है, ब्रिंग इन द ब्यूटी, ब्यूटी इज पोएम में, ऑफ द वर्ड्स एंड इट्स राइम, जो कि उसमें कुछ राइम भी है, राइम वर्ड्स। सिचेम ही मस्ट हैव वांटेड टू गिव अ ल्यूसिड मीनिंग टू दी टू हिज पोएम, और इस तरह का उसका मीनिंग पोएट ने बताया है, ल्यूसिड मीनिंग ऑफ हिज पोएम। इसने एक स्पष्ट ऐसा जो मीनिंग है शॉर्टर फ्रेजेस का, इस तरह पोएट ने बताया है। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड राइट द क्वेश्चन आंसर एंड लर्न दैट प्रॉपरली। व्हेन यू विल फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स एंड देन लर्न द पोएम देन टू और थ्री टाइम्स, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।